नमस्कार दोस्तों, आज आपको बैगी पैंट की कटिंग करना बताएंगे, जो कि क्रॉस पॉकेट में रहेगी। जिस तरह से आपने फ़ोटो देखा है, तो इसका मेजरमेंट है 35.5 लंबाई, 31 कमर, 35 हिप, 23 जांग, 15 मौरी। तो दोस्तों सबसे पहले इसके मार्जिन को सीधा करेंगे, उसके बाद इसके हिप के मेजरमेंट लगाएंगे। तो हिप का चौथाई, हिप है हमारी 35, तो हमें 9.25 पे मार्का लगाना है। 35 का चौथाई 9.25 पे मार्का लगा दिया, एक जगह और लगा लेंगे इस तरह से। अब इस मार्जिन को सीधा करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इस किनारी को निकाल देते हैं और राउंड वाली फंटी से कमर की तरफ आधा इंची झुका के इस तरह से मार्का लगा लेंगे। अब दोस्तों इसकी जांग है हमारी 23, तो 23 का आधा 11.5 रख लेंगे और 1.5 इंची अंदर की तरफ रखेंगे। 1.5 इंची अंदर की तरफ रख लिया। अब दोस्तों इसकी जो 10 इंची ये बैठी है सामना, तो 10 इंची ऊपर रख लेंगे इस तरह से। बस मार्के को सीधा करेंगे। अब इसमें राउंड देके फ्लाई का मार्का लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों 0.5 इंची इसको डाउन करेंगे फ्रंट में, क्योंकि दोस्तों फिटिंग तभी बैठेगी जब ये डाउन होगा। इस तरह से सीधा लगाना चाहो तो सीधा भी लगा सकते हो, और हल्का राउंड देके लगाना चाहो तो राउंड से ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है। अब दोस्तों हम 2.25 इंची पॉकेट क्रॉस करेंगे, उसके बाद हमें 6 इंची पॉकेट मुंह रखना है, तो हमें 7.5 इंची इसको क्रॉस करेंगे इस तरह से। उसमें मार्का लगा लेंगे। और दोस्तों कमर लिख लेंगे इसकी, 31 कमर है। अब दोस्तों इसके सेंटर का मार्का लगाएंगे, यानी कि 11.5 है, तो इसका सेंटर बनाएंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो 11.5 का सेंटर बनेगा 6.25। अगर आप इस तरह से इंची टेप मोड़ के भी निशान लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। 6.25 पे हमने सेंटर लगा लिया। अब इसी तरह से हमें ऊपर कमर की साइड में, हमें कमर पर भी ऐसी इसी हिसाब से निशान लगा लेना है, यानी 6.25 पे। अब इस निशान को सीधा कर देना है। इसमें हम प्लेट डालेंगे इस तरह से, और एक और प्लेट डालेंगे हल्की सी, से लूज फिटिंग में हो जाएगी ये पैंट। अब इसके बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे, 1 इंची बेल्ट के लिए निकाल देंगे, उसके बाद इसकी लंबाई जितनी है उतने का निशान लगा लेंगे, यानी 35.5 लंबाई है, 35.5 पर मार्का लगाएंगे, और 2.5 इंची प्लस में तुरपाई के लिए फोल्डिंग के लिए निशान लगा लेंगे। इसी तरह से एक जगह और लगा लेंगे थोड़ा हटा के इस तरह से। हम इन निशानों को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब दोस्तों मोहरी और हिप के बीच में हमें घुटने का निशान लगाना है। तो दोस्तों इन दोनों निशानों के बीच करेंगे लेंथ का 35 का हाफ हुआ 17.5, तो 17.5 और 1.5 इंची प्लस 19 इंची पर मार्का लगा लेंगे इस तरह से। एक मार्का और लगा लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों
ये हमारे घुटने का मार्का हो गया, अब इसको भी सीधा करेंगे। मार्का सीधा करने के बाद दोस्तों इसकी जो मोरी में इसी हिसाब से निशान लगाएंगे जिस हिसाब से हमने जांघों पे लगाए, उसी हिसाब से मोरी में और घुटने पर भी उसी हिसाब से निशान लगाएंगे। 11.5 हाफ 6.25 घुटने पर भी हो गया। अब इसी हिसाब से हमें मोहरी पर भी लगाना है 6.25। अब मोहरी हमारी 15 इंची, 15 1/2 7.5, 7.5 को इस बीच वाले निशान से आधा इधर और आधा उधर, यानी कि 4.25 इधर 4.25 उधर निशान लगाएंगे इस तरह से, 4.25 इधर और 4.25 इधर। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि मोहरी घूमेगी नहीं, अब निशान को सीधा भी कर लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों क्रॉस फंटी जो राउंड वाली फंटी है उसको दोनों साइड से इस तरह से लगा के मार्का लगा लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों दूसरी साइड में भी सेम उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से साइड में लगाया, उसी तरह से अंदर की तरफ लगाएंगे। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से पैंट कभी भी घूमेगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट में इसकी क्रीज जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो दोस्तों मोहरी की तरफ हल्का सा बढ़ाकर निशान लगा लेंगे, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों कटिंग हम सेम मार्के पर ही करेंगे, जो भी मार्जिन के लिए लेंगे वो बैक में लेंगे। तो दोस्तों आप चाहो तो यहाँ से इसे छोड़ भी सकते हो और आप कटिंग भी कर सकते हो, मैं इसको बोन वाली बनाऊंगा तो इसलिए मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों नैरो मोहरी और फिटिंग पैंट की कटिंग सीखना है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके आप कटिंग सीख सकते हो। और दोस्तों कुर्ता लेटेस्ट में जो कुर्ता चल रहा है उसकी कटिंग भी मैं वीडियो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, वहाँ जाके आप बड़ी आसानी से कटिंग करना सीख सकते हो। तो दोस्तों जीन्स की अल्ट्रेशन यानी कि मोहरी में लंबाई में कहीं भी कम करना है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप फुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। सेम मोहरी किसी पर पहचान भी नहीं होगी, ऐसी मोहरी बना सकते हो, चौड़ाई भी कम कर सकते हो, मोहरी जांघों में भी कम कर सकते हो और कमर में भी कम कर सकते हो, पूरी डिटेल में उसमें मैंने समझाया है, तो जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो दोस्तों इस फ्रंट की कटिंग हो गई, अब हमें इसके चटके लगाने, दोनों साइड मोहरी में चटका लगाएंगे और फ्लाई का और पलेटों का इस तरह से चटके लगा लेंगे। अब दोस्तों इसके फलाई के जो छटके हैं उन्हें भी उठा लेते हैं सेंटर वाले से, दूसरी प्लेट जो डालेंगे उसको 2 इंची हटा के मार्का लगा लेंगे या छटका लगा लेंगे। अब दोस्तों बैक का जो कपट कटिंग करेंगे उसको हम घुमाने के बाद इस तरह से बिछा लेंगे कपड़े को। और दोस्तों इसके बाद फ्रंट को इस तरह से बिछाएंगे इसके ऊपर। दोस्तों अच्छे से इसको बिछाने के बाद इसकी जो गिदरी में लूजिंग छोड़ेंगे हम वो 2.5 इंची छोड़ेंगे, प्लस में 0.5 इंची एक्स्ट्रा में कपड़ा छोड़ देंगे, वो आगे के लिए काम आएगा, कभी कम ज़्यादा बताता है ग्राहक तो उसके लिए लूजिंग करनी पड़े तो कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो सेंटर वाला मार्का है वहाँ से जितना यहाँ पर बैठ रहा है ऊपर उतना ही
मोहरी की तरफ भी उतना ही बैठाएंगे, नहीं तो हमारी बैक में क्रीज जो है घूमेगी, इसलिए इसको बराबर करेंगे। और अब इन मार्काओं को सीधा करेंगे इस तरह से, तीनों मार्काओं को सीधा कर लेंगे। घुटने का भी करेंगे सीधा और मोहरी के भी सीधे सीधे करेंगे। अब दोस्तों इसको फ्रंट को हमने गिराया था आधा इंची, साइड से इसके बिल्कुल बराबर में ही कटिंग होगी। अब इसके यहाँ पे जो भी होना है इधर की साइड होना है, तो अब इसको हमने आधा इंची गिराया था और एक इंची और प्लस करेंगे यानी डेढ़ इंची इसको उठा देंगे ऊपर, फ्रंट से बैक को डेढ़ इंची ऊपर उठा देंगे इस तरह से और मार्का लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसकी जो कमर है, कमर का चौथाई रखेंगे हम यानी पौने आठ, 31 का चौथाई पौने आठ हुआ, पौने आठ रखेंगे, डेढ़ इंची मार्जिन और प्लेट के लिए जो साइड में जो मार्जिन जाएगा और एक बीच में प्लेट पड़ेगी बैक में उसके लिए, और ढाई इंची हम एक्स्ट्रा में रखेंगे जो कमर कभी खोलनी पड़े उसके लिए। अब इसमें हम गिदरी में 2.5 इंची का मार्जिन देंगे, उसमें 2.5 इंची मार्जिन में हो जाएगा। अब हमारे घुटने पर 2.5 नहीं देंगे, घुटने पर हम 2.25 इंची देंगे और मोहरी में 1.25 इंची इस तरह से। अब दोस्तों इस राउंड वाली फंटी से इन मार्का को सीधा करेंगे और इस तरह से। अब दोस्तों जो हमने आधा इंची एक्स्ट्रा में छोड़ा है उसका भी मार्का इसी फंटी से लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों ये हमारा बैक का जो मार्का लगाना है हमें कमर वाला, तो हमें ये घुटने वाला मार्का है वहाँ से और कमर वाले मार्के के लिए सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा वाले को इस तरह से मार्का लगाएंगे। अब इसको राउंड में दोनों मार्का को राउंड कर देंगे, यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी, ये हमारा एक्स्ट्रा में रहेगा। अब हमें बैक में जो प्लेट और पॉकेट बनेगी उसके लिए मार्का लगा लेंगे। तो इस तरह से आप फ्लैप वाली मार्क पॉकेट बनाओगे या बोन वाली, वो आपकी मर्जी है, इस तरह से मार्का लगा लेंगे। अब इसको सेम इसी इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे और मोहरी की तरफ हल्का सा। अब दोस्तों सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो जो लेटेस्ट में जो फैशन चल रही है उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो हमारे आपको मिलती रहें। तो दोस्तों बिल्कुल इसके सेम इसकी कटिंग करने के बाद अब इनमें दो काम और इम्पोर्टेंट हैं, एक इसके चटके और एक ये मार्के पर मार्का लगाना। अंदर की तरफ मार्का नहीं लगाओगे तो कम ज़्यादा सिलाई में चला जाएगा, ग्राहक शिकायत करेगा, तो इसको भी बताऊंगा मैं इस तरह से कटिंग करो। अब दोस्तों इस फॉर्मूले से आप कटिंग करोगे तो कभी भी ना तो क्रीज घूमेगी बैक की और ना घूमेगी फ्रंट की,
और कमर में भी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, न कहीं झोल आएगी और न जांघों में झोल आएगी। लूज फिटिंग में बहुत अच्छी पैंट बनेगी है। अब इसके यहाँ पर चटका लगाएंगे, पहले जांघ में और कमर में चटका लगाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसके जो जांघों में हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसके मार के उठाने हमें इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो में मैंने बारीकी से समझाया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर से कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू।